चलिए क्वेश्चन नंबर 55 डिस्कशन करते हैं। कहता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? एस और पी वाले एलिमेंट होते हैं जिनका आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होता है। मैं तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड की बात हो रही है, एक्स वाई जेड कौन सा है ये अपने को गेस करना है और यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। एक्स वाई जेड जो है तीनों है पी ब्लॉक के। अब लो भाई, एस और पी में भी क्लियर कर दिया कि पी ब्लॉक ही है, और तो और सेम पीरियड के हैं, या तो तीनों सेकेंड पीरियड के हैं या तो थर्ड पीरियड के हैं, ठीक है ना। इफ़ ऑर्डर ऑफ दियर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है म्यू जो होता है वो अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू होता है, जहाँ पर एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो पी ब्लॉक जो है स्टार्ट होता है बोरोन फैमिली से, ग्रुप 13 से, जहाँ पर कॉन्फ्यूगरेशन होता है एन एस टू एन पी वन, फिर आगे एन पी टू, फिर एन पी थ्री। अगर आप गौर से देखो तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, फिर एन पी फोर जैसे ही होता है तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटना शुरू हो जाता है, एन पी फाइव, ठीक है ना। तो ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15, सॉरी ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ग्रुप 15, ये ग्रुप 16 हो गया और ये ग्रुप 17 हो गया, क्लियर है। तो ये बात है सेम पीरियड के, इफ ऑर्डर ऑफ द ईयर ये हो गया। अब कैसे पता करें कि कौन सा है नहीं है, भाई ये तो पता करना पड़ेगा। उसके लिए एक क्लू दिया है, हिंट दिया है, एक्स वाई जेड मैग्नेटिक मोमेंट का जो ऑर्डर है वो एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड। कहता है कि एक्स का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मैक्सिमम है। तो जैसे ही मैक्सिमम हो गया इसका मतलब X हो गया ग्रुप 15 का, हो गया क्या। फिर उसके बाद Y है, तो Y ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि भाई मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दो है तो यहाँ भी दो है, और Z ये हो सकता है तो Z ये भी हो सकता है, बस क्लियर हो गया। अब गेस करना है आपको। कहता है X मे बी बिलोंग्स टू ग्रुप 15, एक्स ग्रुप 15 से बिलोंग कर रहा है, बात सही है। इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रहे इनकरेक्ट पूछा है। तो एक्स में बिलोंग्स टू ग्रुप 15, बात सही है, एक्स यहां से निकल के आया है। फिर उसके बाद तो ये स्टेटमेंट सही जा रहा है। वाई में बिलोंग्स टू, वाई इधर का भी हो सकता है इधर का भी होता है। में देखिए, में क्यों बोल रहा है, में इसलिए बोल रहा है क्योंकि संभावनाएं एक से ज्यादा है, तो इसीलिए बोल रहा है ये इधर का भी हो सकता है इधर का भी हो सकता है। मे बिलोंग्स टू ग्रुप 15, बात सही है, तो ये भी सही निकल के आ रहा है। और जेड, जेड मे बिलोंग्स टू ग्रुप 16, देखिए जेड जो है वो ग्रुप 16 से बिलोंग करेगा, नहीं, जेड तो या तो ग्रुप 13 से बिलोंग कर रहा है या तो ग्रुप 17 से बिलोंग कर रहा है, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, जेड मे बिलोंग्स टू ग्रुप 13, ये सही जा रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पी एन क्यू। कहता है पीरियड नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 15 है, तो ग्रुप 15 में, ये ग्रुप 15 रहा, इसमें कौन कौन आता है बताइए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे आता है, तो सॉरी क्या लिख रहा हूँ, है ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आर्सेनिक, इसी तरह चलता है एंटीमनी, फिर बिस्मथ। तो ये रहा सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड और ग्रुप नंबर 15, ये रहा आपका पी एलिमेंट, यानी कि पी जो है वो आपका नाइट्रोजन है, पी फॉस्फोरस नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर पी अल्फाबेट की बात हो रही है, ठीक है। और क्यू जो है पीरियड नंबर 3 का है और ग्रुप नंबर 2 है, तो ग्रुप नंबर 2 में पहले ढूंढिए, बेटा, मांगे, कार, ऐसे ही होता है ना, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड है और ये ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 का होना चाहिए और पीरियड नंबर 3, तो मैग्नीशियम निकल के आ रहा है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन
स्टेट होता है माइनस थ्री। अब दोनों को मिला करके अगर आप आयनिक कंपाउंड बनाओगे तो कैसे बनाओगे, कैसे होता है? तो यहाँ का जो चार्ज है, मतलब जो नंबर है, उसको यहाँ पर लाना है इसके पैरों में Mg3, और इसका जो चार्ज है उसको इसके पैरों में लाना है। ले आए Mg3N2। बताइए Mg क्या था? Mg तो आपका Q था ना, तो इसका हम लोग Q3 हो गया, और नाइट्रोजन क्या था आपका? P था, तो P2 हो गया। फॉर्मूला बन गया आपका P2Q3। ढूंढिए P2Q3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर आर गिवन बिलो कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इन द प्रेजेंट सेटअप ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। जो अभी का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है उसमें आपको पता है 7 पीरियड है, 18 ग्रुप हैं, 118 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो 118 एलिमेंट तक तो अभी जो प्रेजेंट पीरियड है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है उसमें तो आ सकता है, लेकिन 118 के बाद का जो एटॉमिक नंबर होगा वो अभी इसमें नहीं रखा जा सकता। तो 126 जो 118 से ज़्यादा है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57, भैया ये तो लेंथेनम की बात हो रही है, ये तो लेंथेनम स्कैंडियम वाले ग्रुप में, सेकेंड ईयर लाएंगे AC। ग्रुप थ्री का मैजिक नंबर क्या होता है बताइए? 18, 18, 32 होता है ना। तो इसका 21, 21 में 18 जोड़ दीजिए 39, फिर 18 जोड़ लीजिए 57, और 32 जोड़ दीजिए तो 89, ये एटॉमिक नंबर हो गया। क्लियर है? तो ये जो लेंथेनम है, देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है लेंथेनम और एक होता है लेंथेनॉइड। लेंथेनम की बात होती है ना, तो एक एलिमेंट की बात हो रही है और वो है Na, और लेंथेनॉइड की बात होती है तो ग्रुप ऑफ एटम की बात हो रही है, लेंथेनॉइड सीरीज की बात हो रही है, F ब्लॉक की बात हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहता है 57 जो एटॉमिक नंबर 57 वाला कहाँ का है? तो ये डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक में ग्रुप थर्ड का एलिमेंट। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखिए जेनन, ठीक है ना, जेनन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 54 होगा। जेनन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बताइए? 54 होगा, ठीक है। तो 54, 256, 56 और 14, 70 हो गया, 171 हो गया। एटॉमिक नंबर 71 पर बातचीत चल रही है। जब एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 होता है ना, तो ये होता है लेंथेनॉइड, ये होता है लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड में ग्रुप कौन से होते हैं बताइए? ग्रुप होता है 3। पीरियड कौन सा होता है बताइए? पीरियड होता है 6। समझ में आ रहा है क्या? तो कहता है ये किससे बिलोंग करता है? तो ये 6 पीरियड और थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा।